ऑफिशियली पोको F5 डिवाइस के लिए HyperOS 1.0.10.0 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में इस अपडेट के साथ नया चेंजेस, फीचर्स, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले नया अपडेट के साथ जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अगस्त 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा इस अपडेट के साथ। एंड ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। सिक्योरिटी पैच अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगस्त का देखने को मिलेगा एंड 5.10 कर्नल के साथ ये जो अपडेट है अवेलेबल है। बाय द वे यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इवन यहाँ पर फोल्डर ब्लर के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। यहाँ पर गूगल डायलर एंड गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर HyperOS का जो डायलर है देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो कुछ जिस तरह से UI है, वॉल्यूम पैनल के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन से देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर जो पावर मेनू है, पावर मेनू के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पावर ऑफ एंड रिबूट का जो ऑप्शन से देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी फास्ट एप्लीकेशन जो है पर ओपन हो जाता है। तो डेफिनेटली HyperOS के साथ जो है पोको F5 डिवाइस के साथ जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस, रैम मैनेजमेंट के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है फॉर श्योर। हमने यहाँ पर अलग अलग गेम्स को ट्राई किया था, जैसे कि यहाँ पर फ्री फायर मैक्स हो जाए, इवन COD वॉरजोन मोबाइल को भी हमने ट्राई किया था नया अपडेट के साथ। एंड इसके रिलेटेड हमने यहाँ पर अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप जो है पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लैग वगैरह हमने नोटिस नहीं किया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। कैमरे के साथ थोड़ा बहुत जो है पर वार्म हो जाता है, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है काफ़ी सही है, ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस में जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। यहाँ पर अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो है बैटरी के साथ अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। बैलेंस, बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर, इवन परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, कितनी दफा आपने चार्ज किया है, प्लस बैटरी टेम्परेचर, इवन रेगुलर चार्जिंग, ऑप्टिमाइज चार्जिंग का जो फीचर से देखने को मिलेगा, नाइट टाइम चार्जिंग प्रोटेक्शन का जो फीचर से ऐड किया गया है। एडिशनल फीचर्स के ऊपर 5G बैटरी सेवर का ऑप्शन है, नाइट टाइम मोड का जो ऑप्शन है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का जो फीचर से देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो आइडियल बैटरी ड्रेन जो है लगभग 2% से 3% के आसपास है। वाईफाई ऑफ था, मोबाइल डेटा भी ऑफ था, तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप काफ़ी सही है, बैटरी ड्रेन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लगातार यहाँ पर जो है डिवाइस की यूज़ करते हो तो लगभग आपको 7 आवर से 7.5 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा 120Hz के साथ। अगेन यहाँ पर अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो लगभग 4 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप जो है काफ़ी सही है, बैटरी के रिलेटेड भी कोई भी इश्यू वगैरह नहीं है। पर इंटर कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन, ये सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ जो है वाईफाई काम कर रहा है, मोबाइल डेटा के साथ कोई इशू नहीं है, 5G काम कर जाएगा, वॉल्टी व्यूओनर भी यहाँ पर काम कर रहा है, डार्क मोड एंड ब्लूटूथ के साथ भी हमने कोई भी इशू को नोटिस नहीं किया है। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप जो है एक साथ यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एडिट फोल्डर का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एडिट आइकॉन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। प्लस कुछ कुछ सिस्टम एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बट सभी जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे जो है अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। बट यहाँ से जो होम स्क्रीन है उससे जो आप सिस्टम एप्लीकेशन को भी जो है रिमूव कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एनीवे एंड गैलरी एप्लीकेशन के साथ ऐसे भी ऑप्शन है, ऑटो क्रॉप फिल्टर एडजस्ट के साथ साथ कुछ AI फीचर्स को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इरेज ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, बोके मोड को ऐड किया गया है, स्काइप फिल्टर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो इस तरह से ऐसे भी फीचर्स को ऐड किया गया है गैलरी एप्लीकेशन के साथ।
बाय द वे यहाँ पर जेमिनी एआई भी काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। कैमरा ट्यूप के साथ लेवल 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर रहा है एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस, 1x 2x का ऑप्शन है, एचडीआर मोड का ऑप्शन है, एआई कैमरा, मैक्रो वॉइस शटर, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ओआईएस का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा फुल एचडी 30fps के साथ, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइस नाइट साइड मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये सभी ऑप्शन है। 64 मेगापिक्सल पैनोरामा, यहाँ पर स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है जो कि काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली ये जो अपडेट है ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, अलेक्सा को इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ पर जो स्कॉलिंग एनिमेशन है काफी सही है, यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है और जो कंट्रोल सेंटर के साथ भी काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कोई भी लैग वगैरह नहीं है। हाइपरओएस के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिलता है, अलग अलग फिल्टर को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन है, इवन अलग अलग फॉन्ट वगैरह को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ट्राई करके देखो, हाइपरओएस के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है काफी सही तरीके से जो है यहाँ पर काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है 5G भी सही तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, पॉकेट मोड का जो फीचर से काम कर जाएगा, यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है एनिमेशन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, प्लस गेस्चर्स एंड बटन्स का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई इशू नहीं है, सनलाइट मोड काम कर जाएगा, AI इमेज इंजन के साथ जो है AI HDR एनहांसमेंट का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम कर जाएगा काफी फास्ट, डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू वगैरह हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एंड बैटरी बैकअप भी काफी सही देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर 100 मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, साइड बार का ऑप्शन है, मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर से काम कर जाएगा, 4GB 6GB एंड 8GB तक जो है वर्चुअल रैम का ऑप्शन है, सेकेंड स्पेस का जो फीचर से ऐड किया गया है। बाय द वे यहाँ पर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली कस्टम रिकवरी की यूज कर सकते हो, TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप सिंपली रेडमी नोट 11 का या पर सॉरी पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर स्कॉलिंग एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ भी कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल अपडेट है एंड्रॉयड 14 के साथ पोको F5 डिवाइस के ऊपर, हाइपरओएस 1.0.10.0 के साथ। एनीवे जो वीडियो है कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके जरूर से इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।